आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जयपुरिया हॉस्पिटल को जिसको आपने कोविड 19 के लिए डेडिकेटेड किया था उसको आपने उसे मुक्त कर दिया बार बार निवेदन के बाद भी, और वहां 3000 का ओपीडी था समाप्त हो गया और लोग बाग निजी अस्पतालों में जाने लग गए, पर देर आए दुरुस्त आए आपने उसको कोविड 19 डेडिकेटेड से मुक्त किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अखबार में पढ़ा था कि SMS हॉस्पिटल को भी आप 1 जून से और इससे मुक्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा निर्णय है और इसका निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने ये घोषणा की थी कि 2000 डॉक्टर्स की नियुक्ति 30 दिन अंदर कर दी जाएगी। अभी जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें 3500 डॉक्टर्स बैठे थे, सब MBBS थे, उनमें से आपने 735 लोगों का सिलेक्शन किया, बाकी लोग अभी तक बाकी हैं। तो मेरा यह कहना है कि जितने भी MBBS डॉक्टर जिन्होंने अप्लाई किया सरकारी नौकरी के लिए, उन सबको यदि हम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे देंगे और जो CSC PSC जो हमारी खाली पड़ी है उसमें यदि वो जाकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से लड़ाई में हम लोगों को सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो छोटे लोग हैं, नाई है, धोबी है, ऑटो रिक्शा चालक है, मजदूर हैं, बागवान हैं, ये जो कर्नाटक सरकार ने जिस प्रकार का मॉडल लागू किया है, 5000 रुपए उनको सहायता दी है और बागवानों को 25000 रुपए, ये यदि यहाँ पर भी अपन लागू करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जहां तक जयपुर शहर का सवाल है, मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ 7 थाना क्षेत्र है, थाना है, तो उन थानों में से केवल 10 थाने इस प्रकार के हैं कि जिसमें 84% हमारे कोरोना के मरीज, यानी जो कोरोना वायरस है वो 84% इन 10 थानों के अंदर है। तो मेरा ये कहना है कि ये 10 थानों में इस प्रकार से इनको सील किया जाए कि यहाँ के नागरिक दूसरी जगह नहीं जा पाए, क्योंकि ये जो लोग बाग बाहर जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने रोड, इससे जो ग्रीन जोन है जहां अभी तक कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है वहां पर भी ये फैल रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन 10 थानों को आप सख्ती के साथ, चाहे वहां RAC लगानी पड़े तो RAC लगाएं, चाहे वहां पैरा ये अपने और कोई व्यवस्था अर्धसैनिक बल लगाना चाहे तो वो लगाएं, पर इनको सख्ती से आप यदि सील नहीं करेंगे तो जयपुर शहर में जो ग्रीन जोन में आते हैं वहां पर भी ये इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। इसी प्रकार से अभी ये निर्णय किया है कि जितने भी फल सब्जी वाले हैं उन सबको हम प्रतिबंधित करेंगे जो ठेलों पर ये बेचते हैं, और केवल हर वार्ड में 10 इस प्रकार के फल सब्जी वालों को हम लाइसेंस देंगे। तो मैंने नगर निगम से पता किया, उनका अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, कोई कोरोना का उसका टेस्ट नहीं किया। तो मेरा कहना यह है कि लगभग 5000 लोग फल सब्जी बेचते हैं पूरे जयपुर शहर में, यदि हमने केवल 900 लोगों को इसका लाइसेंस दिया तो इससे 4000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जितने भी फल सब्जी वाले हैं और जो अपना कोरोना टेस्ट करा लेता है और जो कोरोना टेस्ट में निगेटिव आता है उसको लाइसेंस दिया जाना चाहिए, पॉजिटिव हो उसको लाइसेंस मत दीजिए, पर जितने भी निगेटिव जो आते हैं कोरोना जिनके नहीं है उनको यदि हम लाइसेंस देंगे तो निश्चित रूप से इनमें बेरोजगारी नहीं फैलेगी। इसी प्रकार से राशन की व्यवस्था का जहां तक सवाल है, हमने पहले भी कहा था कि आज तक जितनी भी आपदा के जो आपदा प्रबंधन का काम होता है वो नागरिक सुरक्षा के द्वारा होता है, सिविल डिफेंस के द्वारा होता है, पहली बार नगर निगम के द्वारा ये काम हो रहा है जिसके कारण पक्षपात हो रहा है। कई जगह तो राशन 3-3 बार मिल गया और कई जगह इस प्रकार की है कि जहां अभी तक राशन बिल्कुल भी नहीं मिला। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये काम आप सिविल डिफेंस के माध्यम से करवाएं, जिसमें बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के और सब लोगों को और ये राशन की सुविधा उपलब्ध हो। इसी प्रकार से मैं ये जो मंडी टैक्स की बात है, आज सारी मंडियां 247 मंडियां हमारे राजस्थान की बंद पड़ी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मंडी टैक्स के बारे में आप निश्चित रूप से विचार करें। और जहां तक हमारे महेश जी जोशी ने जो सुझाव दिया, जो विधायक कोष का पैसा है वो आपने केवल अभी मेडिकल एक्टिविटीज के लिए रिजर्व किया है,
मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो राशन की राहत सामग्री है उसको बांटने में भी और विधायक कोष का पैसा उपयोग में आ सके, इसकी आप निश्चित रूप से परमिशन आपको दी जानी चाहिए। इसी प्रकार से अभी आज 12 मई है, नर्सिंग दिवस है, तो जो नर्सिंग कर्मियों की जो मांग है उनके पदनाम परिवर्तित किए जाएं। यदि ये पदनाम परिवर्तन की घोषणा आज आप यदि करेंगे तो नर्सिंग दिवस की भी सार्थकता होगी और उनको बिना किसी वित्तीय आपके कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा और वो आपकी वाहवाही करेंगे। तो ये निश्चित रूप से आपको धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। एक आधा सुझाव हो रहा है, एक ये जो शराब की बिक्री आपने खोली है इसमें आप इतना टैक्स लगाएं कि जिससे कि जो साधारण लोग हैं वो शराब नहीं खरीद सके, जो बिल्कुल जो शराब के शौकीन है वही शराब खरीदे। आप देखिए सारे भीड़ हो रही है, तो आप इन पे टैक्स लगाओ और इनकी होम डिलीवरी चालू करो जिससे कि हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपके।